दोस्तों नमस्कार। हाँ भाई, सब कैसे हैं आज? दोस्तों 9 अप्रैल 2020, आप जो लोग रेगुलर इस लेक्चर्स को देख रहे हैं उनको ध्यान है कि 5 अप्रैल को हमने फिजिक्स के नीट के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के लेक्चर स्टार्ट किए। 5 को किया, 6 को किया, 7 को किया, कल 8 को किया। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसा फिर रिपीट कर दूँ, नीट 2013 से लेकर 2019 तक के सारे जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, उनको टॉपिक वाइज अरेंज करके उनका स्टार्ट किया सॉल्यूशन। तो दोस्तों कल हम लोग रोटेशनल मोशन तक पहुंच चुके थे, यानी यूनिट डायमेंशन से चलते चलते रोटेशनल मोशन तक हम लोग पहुंच गए थे। आज हम आपसे बात करेंगे ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, गुरुत्वाकर्षण और सरल आवर्त गति। इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन आज मैं सोल्व कर रहा हूँ। अभी 9 तारीख है, आज 9 अप्रैल 2020, 10:30 बजे हमारी ये शूटिंग स्टार्ट हुई है। ये 2-2.5 बजे तक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे सुशील जी लगेंगे अपने कंप्यूटर पे, उसको बिल्कुल अपलोड कर देंगे। ठीक 5 बजे हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो आप आगे ध्यान रखो, डेली शाम को 5 बजे आपको एक फिजिक्स की क्लास का वीडियो मिलेगा। 5 बजे फिजिक्स क्लास का वीडियो मिलेगा, जो करीब 1 घंटे 70 या 75 मिनट का होगा। आप 5 से 6:15 उसको देखें, 6:30 फिर अपन लाइव आते हैं, लाइव में बात करेंगे। तो दोस्तों ये 2 घंटे आप अपने सीएलसी के साथ रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देख के दोस्तों आपको जो भी इसमें कोई सुझाव है, विचार है, अच्छा या बुरा जो लगे, उसको भी प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें। जब मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें इंप्रूवमेंट के लिए अपने सुझाव विचारों को मुझ तक भेजें, ताकि हम और बेटर कर सकें। ओके डियर, शुरू करें। बोले बजरंग बली की जय। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है, ग्रेविटेशन फोर्स का टॉपिक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्सेस एट डिस्टेंस 1 m, 2, 4, 8 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। देखो दोस्तों बात ध्यान सुनो, अगला साफ साफ कहता है। पहले तो लो इसको मैं डायग्राम को बनाता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। ये एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों आप इसको देखें, आप साफ साफ कह रहे हैं एक्स एक्स पे 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे और 8 मीटर पे। ये मान लो कि आपका 1 मीटर है, या आपका 2 मीटर है, या आपका 4 मीटर है, या आपका 8 मीटर है, ऐसे अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कितने कितने मास रखे हैं, एम मास, एम मास, एम मास और एम मास। इनके कारण आपको इस मूल बिंदु पे, दोस्तों मूल बिंदु पे हमें गुरुत्व विभव निकालना है, वीजी निकालना है। इस न्यूमेरिकल को पहले मैं आपको सोल्व कर देता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी सी इस पे चर्चा भी करूंगा, इसके आगे पीछे की 2 बातों पे। देखो डियर, आप सब जानते हो कि किसी भी एम द्रव्यमान के कारण, किसी भी एम द्रव्यमान के कारण उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, एक बात ध्यान रखना हमेशा, दूरियां हमेशा केंद्र से नापी जाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे पार्टिकल डायनेमिक्स का मूल कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर पॉइंट। ओके डियर, तो इससे आर बिंदु पे दोस्तों इसका जो वीजी होता है वो होगा माइनस जीएम बाई आर। माइनस क्यों लगाया, ध्यान सुनना, फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है डियर, तो याद रखो आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, वो हमेशा नेगेटिव को शो करता है, रिपल्सन जो है वो हमेशा पॉजिटिव को शो करता है। एक बात और सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स में बहुत सा क्वेश्चन आता है कि चार्ज की टेस्टिंग किससे की जाती है, आवेश की पहचान किससे की जाती है, जो दोस्तों हमेशा रिपल्सन से की जाती है, प्रतिकर्षण से की जाती है। पहला पॉइंट, चार्ज की टेस्टिंग रिपल्सन से की जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है वो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, यानी वो अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है। बट गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ये हमेशा किसका होता है, अट्रैक्शन का होता है। और गांठ बांध लो, पैसे मेरा फंडा है, पैसे पे मिलाओ, प्रतिकर्षण में प्लस आता है, हो गया, आकर्षण में माइनस आएगा, इसलिए दोस्तों यहां पर माइनस आ गया। तो किसी भी एम मास के कारण उसके सेंटर से, नॉट सरफेस से, जैसे अपन थोड़ी देर बाद अर्थ की बात करेंगे, कोई वस्तु पृथ्वी किस तरह से स्मॉल एच ऊंचाई पर है, तो दोस्तों याद करो वो स्मॉल एच ऊंचाई नहीं है, वो एक्चुअल में कैपिटल आर प्लस एच है। दूरियां सरफेस से नहीं, सेंटर से मेजर की जाती हैं। ओके डियर, तो वीजी इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर, ये इन सब के कारण। और विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए उसमें कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ठीक है डियर, अपन बात को शुरू करते हैं। आओ डियर, तो आप देख रहे हैं इस फर्स्ट के कारण यहां क्या होगा, अभी फर्स्ट के कारण क्या होगा, वी माइनस माइनस जी स्मॉल एम बट्टे आर, आर मतलब 1। अगला क्या होगा, माइनस जी एम बट्टे 2। फिर आगे दोस्तों क्या होगा,
माइनस जी एम बट्टे चार, ओके ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है डियर। अब आप देखें माइनस कॉमन निकाल लो, जी एम कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो गया वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर, ऐसे एट पे क्या आएगा वन बाई एट प्लस डैश डैश डैश, कहां तक है इन्फिनिटी तक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब आप एक चीज देखें, तो आप बायो के स्टूडेंट हैं, पेज खाली करें, आपको शायद यहां दोस्तों एक चीज की दिक्कत रहेगी। दिक्कत क्या रहेगी कि इसमें गुणोत्तर श्रेणी काम आएगी दोस्तों, ठीक है ना, इसमें आपकी सीरीज काम आएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज काम आ गई। तो दोस्तों हम कहते हैं माइनस जी एम वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस डैश डैश डैश, ये सीरीज है दोस्तों, जब इन्फिनिटी तक होती है तो इसका जोड़ होता है एस इक्वल टू ए बटे वन माइनस आर। बट ये भी सच है कि आर जो है वो लेस देन वन होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों आप सही कह रहे हो, आर का मान क्या है वन बाई टू है ना, इसमें वन बाई टू से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया, फिर करो ये आ गया, ये फिर करो ये आ गया, ओके डियर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, ए क्या है वन है, वन माइनस तेरे सामने सामने भाई, आर क्या है वन बाई टू, तो ये तेरा वन बाई टू हो गया, तो ये ऊपर जाके तेरा दोस्तों टू हो जाएगा, ये कंप्लीट टू हो गया। तो माय डियर वी का मान आ गया माइनस टू जी एम, वापस प्रश्न में आए भाई, वापस प्रश्न में आते हैं, तो माइनस टू जी एम ओके आ गया। अब अगला कहता है दोस्तों मास कितना है टू के जी, ध्यान दो आंसर है माइनस टू जी एम, पर ऐसा आंसर कोई नहीं है, आंसर मास कौन पर, तो जैसे दो का मान पुट करेंगे तो माइनस फोर जी हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, ओके थैंक यू। हाँ तो डियर ये क्वेश्चन नंबर 78 था, ये 78 क्वेश्चन मैंने मेरी सीरीज है, टोटल 360 क्वेश्चन करने हैं जिसमें 78 पे आ जाया हूं मैं। यहां मैं ये जो गुरुत्वीय विभव आपसे पूछा है, ग्रेविटी पोटेंशियल पूछा है, यहां दोस्तों चार शब्द हैं, मैं उन चारों की चर्चा आपसे कर लेता हूं। देखो एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स स्थिरीकृत की और गुरुत्वाकर्षण, लो मैं थोड़ा सा इन दोनों को एक साथ कर दूं। दोस्तों आप सब जानते हो माना प्लस क्यू वन आवेश है और दूसरा माना प्लस क्यू टू आवेश है, उनके बीच की डिस्टेंस आर होती है, तो एफ इक्वल टू आप सब जानते हो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। सेम उसी प्रकार से एक कोई मास एम वन है दूसरा कोई मास एम टू है, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो यहां भी एक फोर्स होता है जो होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ओके डियर। इसको आप एफ ई कह सकते हो, इसको आप एफ जी कह सकते हो, ठीक है। फिर अपन इसकी बहुत बड़ी गुणा भाग करके इस तरह निकालते हैं, ये होता है कि कोई भी क्यू आवेश है, किसी क्यू आवेश के कारण आर डिस्टेंस पे विद्युत विभव क्या है, तो सब जानते हैं V इक्वल टू होता है दोस्तों के क्यू बाई आर, इसको वी ई कह देते हैं। तो इसी प्रकार यहां भी होता है कोई m मास है तो इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, इट कॉल्ड ग्रेविटी पोटेंशियल, जिसको मैं वी जी कह सकता हूं। माइनस का साइन आएगा क्योंकि किसका फोर्स है अट्रैक्शन का, के रिप्लेस बाई जी कर दो, क्यू रिप्लेस बाई एम कर दो, ये दोस्तों आपका आर कर दो। इसी प्रकार याद करो यहां इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे दोस्तों यहां आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आई जी कह सकते हैं, जिसको केवल जी भी कहते हैं अपन दोस्तों, जिसको अपन ई जी कह सकते हैं, जिसको केवल भी जी कहते हैं, वो है माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, मैं यूं कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टेट का के है, ग्रेविटेशनल का वहां कैपिटल जी आएगा, यहां जो काम क्यू करता है वहां वो काम एम करेगा। इन दोनों को जोड़ने का आप एक साथ कोशिश करें, पर याद रखना पड़े ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है और अट्रैक्शन के फोर्स में माइनस आता है, जो बात पहले भी आपको मैं कह चुका हूं। तो इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंटेंसिटी ग्रेविटी फील्ड, जिसको एक और नाम भी देते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, बात दोनों का एक ही है, माइनस का साइन आ गया। तो ये आपके सामने इस क्वेश्चन को मैंने आसपास की थोड़ी थोड़ी को भी लपेट दिया दोस्तों, ओके थैंक यू। ओके डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ए बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस आर ऑफ अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगला साहब कहता है एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या आर से दुगनी ऊंचाई तक ले जाएं तो वस्तु की स्थिति, देखो सुनो बच्चों इधर आओ, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी रेडियस क्या है आर,
यहां कोई एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को अगर साफ कह देखो सरफेस से टू आर, दोस्तों यहां से उठा के इसको आप यहां कहां तक ले गए, टू आर तक ले गए। देखो भाई सीधी बात है यार, ये चीज यहां पड़ी है, यहां से इसको मैं यहां से उठा के यहां रखूंगा तो भाई कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा ना। अरे किसी भी वस्तु को आप एक स्थान से उठा के किसी अन्य स्थान पे लेके जाते हो तो कार्य तो करना ही होता है ना, बस कार्य ही सब कुछ है। बस आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, डेल्टा के कहो चाहे डेल्टा यू कहो बात एक ही है भाई, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कहो चाहे स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन कहो चाहे चेंज इन काइनेटिक कहो चाहे चेंज इन पोटेंशियल कहो। तो दोस्तों यही प्रश्न है, अगला साफ कहता है कि इसकी स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो डियर आप इस फॉर्मूले को जब आपको टीचर ने पढ़ाया था तो पूरा सॉल्यूशन किया था, अब अपन यहां पूरे उसके चक्कर में नहीं पढ़ के अपन इसको इतना ही कहेंगे, इसका सीधा फॉर्मूला होता है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर। प्लीज इसको बहुत ढंग सुन ले भाई, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठा के एच ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो किया गया कार्य कहो चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहो, वो दोस्तों हमेशा क्या होगी एम जी एच वन प्लस, और ये डिस्टेंस क्या है दोस्तों एच कहलाती है। ओके ओके डियर, तो दिस इज एम जी, व्हाट इज एच, टू आर, वन प्लस एच क्या है टू आर बाई आर, ये कैंसिल आउट, ये आपके सामने आ गया टू बाई थ्री एम जी आर। देख लो कौन सा आंसर है, टू बाई थ्री एम जी आर। दोस्तों 79 का आंसर नंबर हो गया दोस्तों आपके सामने 4, क्लियर। हाँ डियर, पहला जो क्वेश्चन था वो 79 था, जब हमने सेट किया तो 95 नंबर पे जो क्वेश्चन है जो नीट 2019 में आया है ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो मुझे लगा कि बस नंबर नहीं तोड़ रहा हूं, कंटिन्यू एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला साफ कहता है किस द्रव्यमान एम को पृथ्वी के सरफेस से एच ऊंचाई पे ले जाएं तो उठाने में किया गया कार्य क्या है, वहां क्या पूछा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां क्या कह रहा है वर्क, दोनों का मतलब एक ही दोस्तों, सेम फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर एम जी एच वन प्लस एच बाई आर। अगला साफ कहता है पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तो ये ले डियर एम जी एच वन प्लस एच बाई आर, ठीक है जी। पृथ्वी की त्रिज्या और एच किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो रेडियस के बराबर है तो दिस इज एम आर वन प्लस आर बाई आर, ये कैंसिल आउट हो गया माई डियर, तो ये क्या बन गया एम जी आर बाई टू, एम जी आर बाई टू। 95 का दोस्तों आंसर नंबर क्या हो गया हमारा, एक हो गया। ओके थैंक यू। तो मैंने 79 के बाद पहले 95 क्यों करवाया कि दोनों एक क्वेश्चन थे इसलिए मैंने साथ ले लिया उन दोनों को, ठीक है। अब आप दोस्तों आए क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 क्या कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E व पृथ्वी केंद्र से दूरी R पे निर्भरता, दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं, प्लीज पेज खाली करें, एक बात ध्यान सुनो, मैं इस प्रश्न को करने से पहले आपको थोड़ी चर्चा कर लूं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये इससे दोस्तों एच हाइट है, ठीक है, जिसको टोटल को अपन स्मॉल आर कहते हैं, ये डिस्टेंस दोस्तों आर होती है, तो ये आप सब लोग पहले ध्यान से देख लें, स्मॉल आर इक्वल टू यहां होता कैपिटल आर प्लस एच, ये तीन फिक्स स्टैंडर्ड डेटा है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ बॉडी अर्थ, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एच डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, इनको चेंज नहीं कर सकते अपन। अब दोस्तों अगर स्पष्ट कहता है कि ये हमारी पृथ्वी है, इससे आर हाइट पे ये कोई बिंदु है, यहां पे आपको इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं दोस्तों, उसकी वैल्यू जो है वो होती है माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये माइनस का साइन है। यही बात यदि मैं इलेक्ट्रोस्टेट में करता हूं, याद करो तो इलेक्ट्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद करो। यही प्रश्न आ जाता है इलेक्ट्रोस्टेट में और यही प्रश्न आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, कर्व दोनों का एक जैसा है, स्पष्ट है जी दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, कर्व में कोई चेंज नहीं है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के सारे कर्व लाइन के नीचे आएंगे, इलेक्ट्रोस्टेट सारे कर्व लाइन से ऊपर आएंगे। आप क्वेश्चन के अंदर आए भाई, तो कुछ नहीं किया मैंने, ई दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो आप देख रहे हो। अब इसमें चक्कर यह है, बाहर की तीव्रता और अंदर की तीव्रता, ये कर्व नहीं हो सकता, ये कर्व नहीं हो सकता, तो बाहर की तीव्रता यहां ये हो गई और यहां ये हो गई। अब दोस्तों अंदर अपन इसके आगे बात करें तो देखो धन सुन लो भैया, अर्थ के अंदर जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थ के बाहर जी आर स्क्वायर के इनवर्स होता है, ये बात आप सुन लो, बहुत प्रश्न है भैया,
पृथ्वी के अंदर जी आर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल, मैं बार बार कह रहा हूं स्मॉल आर है जो कहां से मेजर किया गया, सेंटर से। और दोस्तों कैपिटल आर भी वही आपका डिस्टेंस है, कहां से मेजर किया गया, सॉरी कैपिटल आर क्या है, अर्थ की रेडियस है, बट यहां स्मॉल आर में काम लिया। तो आप देखें इसका आंसर फर्स्ट होगा, ये नहीं होगा भाई, तो यहां तो ये भी क्या है थोड़ा सा कर्व है, कर्व नहीं, जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ आएगा, ये स्क्वायर है ये ग्राफ आएगा। दोस्तों 80 नंबर में आंसर नंबर एक हो गया, थैंक यू। ये दोस्तों भी ग्राफ की बात आई तो मेरे दिमाग में ग्राफ आ गए, आपको आपसे ग्राफ की बात कर लूं एक बार, मेडिकल में ग्राफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ग्राफ में आप जानते हो सबसे पहले ग्राफ होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। लो आप थोड़ा साथ बोलो मेरे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई का मतलब y डेटा, x का मतलब x डेटा, m का मतलब स्लोप, इस लाइन की जो स्लोप है जिसको अपन m कहते हैं वो दोस्तों m tan थीटा है। c जो दोस्तों है वो इस y एक्स पे काटा गया इंटरसेक्शन है, ये सुन लो बहुत तरह प्रश्न है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्स तो डेटा है बात ही नहीं है, c कॉन्स्टेंट है जो ना x पे डिपेंड कर रहा है ना y पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्स्टेंट क्या होता है y एक्स पे काटा गया इंटरसेक्शन अंत्यखंड, और m क्या है इस लाइन की x अक्ष के साथ बनाएगी स्लोप। इसकी दोस्तों छह संभावनाएं हैं, लो पहली संभावना y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स की लाइन ऐसी आएगी, बोलो हाँ या ना, क्यों, c क्या है जीरो, तो कहां से गुजरेगी ओरिजिन पॉइंट से, स्लोप क्या है पॉजिटिव। चल भिड़ू अगला देख, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो ये कौन सा कर्व आ गया, ये कर्व आ गया। अब आपको सर ये कहां काम आते, तेरे काम नहीं आते क्या बोले आदमी, मैं तेरे से पूछ लूं कि स्प्रिंग में आप सब जानते हो एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है ना, स्प्रिंग एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो ये किसका कर्व है, हो गया ना, देखो आपका ये एफ और ये एफ और ये आपका एक्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे यूज होते हैं ये। आप अगला देखें वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ध्यान दे क्लास, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, स्लोप तो पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, यहां पर आ गया। आगे चलें y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, दोस्तों माइनस एम एक्स प्लस सी क्या हो गया, ये माइनस एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और दोस्तों एक लास्ट इक्वेशन और लिख लो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, छह कर्व हो गए भाई इसके, एक दो तीन चार पांच छह, ये स्ट्रेट पूरे कर्व हो गए। इसके अलावा एक रिलेशन और समझ लो, एक्स वाई के समानुपाती है तो कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स दोस्तों वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला आएगा, एक्स वाई स्क्वायर के समानुपाती है तो इसमें दोस्तों ग्राफ पैराबोलिक आएगा, पर यह भी पैराबोलिक है और यह पैराबोलिक है, सही कौन सा है। तो मेरा एक फंडा है, एक घात पे मुंह खोल दो, सिंगल पावर पे मुंह खोल दो, सिंगल पावर एक्स की, तो इसका दोस्तों आंसर ये होगा, नहीं कि ये होगा, ठीक है डियर। तो एक्स वाई स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये आपके कर्व हो गए, बस इतने से कर्व मेडिकल में आते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर इनके यूज कहां होते हैं, कर्व का यूज कैसे होता है, इक्वेशन कहो बीच में आ जाओ, बारहवीं के पास या बारहवीं टारगेट के बच्चे वो समझते हैं। एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शुरू करूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानते हो कि पदार्थ होता है इसके ऊपर अपन एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन डालते हैं और इसकी दहली आवृत्ति मान लो न्यू डॉट है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसका एक इक्वेशन बनता है, एच न्यू जो एनर्जी है उसका एक भाग यहां खर्च होता है और बाकी जो एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में चक्कर लगवाती है, याद आ रहा है, दिस इज, इसको अपन डब्लू नोट भी कह सकते हैं, और इस हाफ एम वी स्क्वायर को आप ईवी नोट से रिप्लेस भी कर सकते हो। याद करो दोस्तों ये प्लैंक का हाफ ईवी नोट है, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से पहली बार प्लैंक की वैल्यू ज्ञात हुई थी, जिस खुशी में प्लैंक को नोबल पुरस्कार, आइंस्टीन को नोबल पुरस्कार दिया गया था। जब भी आइंस्टीन की बात आती है लोगों को लगता है कि आइंस्टीन का E इक्वल टू एम सी स्क्वायर कीमती है और वहां दिया नोबल पुरस्कार, ऐसा नहीं है। आइंस्टीन का ये जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, यहां से फर्स्ट टाइम एच की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी और इस खुशी में आपको नोबल पुरस्कार दिया गया था। ये एक इक्वेशन बनी एच न्यू ओमेगा नोट, ये आपतित फोटोन की ऊर्जा, ये कार्य फलन, और वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, सॉरी यहां गलत हो गया, दिस इज ईवी नोट, ठीक है डियर। अब अपन यदि
इसको करो में चेंज करें, तो आप खुद कह रहे हैं कि साहब माना कि मैं करो बनाऊं, इधर मैं न्यू लूं और इधर मैं वी नोट लूं, तो बताओ कर्व कैसा आएगा। तो वी नोट किस पे है, वाई पे, तो वाई को एक तरफ करो, ई वी नोट इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ध्यान देना क्लास, ये ई वी नोट इधर है, तो ये आपका आएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट, दोस्तों ये आपका वी नोट मैं कर दूं माइनस एच न्यू नोट अपॉन, थोड़ा सा सीधा कर रहा हूं, हो सकता है जिस उस बच्चे पहले नहीं पड़ेगा भाई, इसका पहले पढ़ावा नहीं है, ई वी नोट एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, तो वी नोट इक्वल टू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट प्लस एच अपॉन ई न्यू, इसको थोड़ा सा ऐसे और मॉडिफाई कर दूं, तो एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट, दोस्तों क्या ये नहीं बन गई, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, याद आ रहा है, ये ऐसी इक्वेशन होती है, और इसकी स्लोप जो होती है, स्लोप किसके मल्टीप्लाई, एक्स के मल्टीप्लाई, कौन है, एच बाई ई, इसकी जो स्लोप है दोस्तों थीटा, वो टेन थीटा किसका मान है, एच अपॉन ई का मान है, ई का मान हम पता था, और दोस्तों हमने यहां से एच का मान फर्स्ट टाइम निकाला था, क्लियर, ये प्लैंक कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई थी, मैं तो केवल एक सिंपल से ग्राफ की बात शुरू की, और सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक टॉपिक था, दिमाग में स्ट्राइक कर गया, वो इक्वेशन आपको लिख के बता दी, ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, और माइनस सी दोस्तों तो जानता है h भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट और न्यू नोट भी कांस्टेंट, क्योंकि एक ही पदार्थ की दो देहली आवृत्ति नहीं होती, किसी एक पदार्थ की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ओके, बात ग्राफ की पल्ले पड़ गई, ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये बिल्कुल केपलर पे एक नया कॉन्सेप्ट है, केपलर के थर्ड नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिभ्रमण काल टी है, सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी आर है, तो तृतीय घात यानी आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टी स्क्वायर के आर क्यूब को फॉलो करती है, के एक कांस्टेंट है, कि सूर्य तथा ग्रह के द्रव्यमान क्रम से एम एम है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल है एफ है जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो जी गुरुत्वाकर्षण है, दोस्तों वो कहता है जी और के बीच आपको एक रिलेशन बताना है, ठीक है डियर, हम इस बात पे आते हैं, तो इस बात पे आने से पहले मैं आपको बोर्ड खाली करें, इस बात पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये उपग्रह की गति के बारे में बता देता हूं, दोस्तों ग्रह एक ही बात है, किसी के चारों घूमने वाले को हम उपग्रह कहते हैं, सूर्य के चारों ग्रह कह देते हैं, दोस्तों माना कि पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये एम मास का सैटेलाइट घूम रहा है, इसकी आप जो कह सकते हैं अपन कक्षीय त्रिज्या ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर है, इसका मास कैपिटल एम है, और इनके बीच यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये इसके चारों, अच्छा आप जानते हो पाथ सर्कुलर नहीं होता भैया, ये पाथ आपका इलिप्टिकल होता है, ये दीर्घवृत्तीय पाथ होता है, वृत्तीय पाथ नहीं होता है, बट वो सारे कॉन्सेप्ट जो भी है वो सर्कुलर पाथ से वो होते हैं, याद करो बोर का नियम, बोर के नियम में पाथ सर्कुलर थे, पर सोमरफील्ड ने कहा सर्कुलर नहीं दीर्घवृत्तीय है, हाइपरबोलिक होते हैं तो इलिप्टिकल होते हैं, तो लेकिन वो सारे डेरिवेशन जो है ना वो आज भी किस पे है, सर्कुलर पे है, आ जाओ डियर इस पे एक फोर्स लगेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसके कारण दोस्तों ये चारों ओर घूम रहा है, कौन से पथ पे, सर्कुलर पथ पे, हम जानते हैं सर्कुलर पथ पे भाई जी दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए एम वी स्क्वायर बाई आर चाहिए चाहिए, एम वी स्क्वायर आर के बिना सर्कुलर पथ नहीं हो सकता, बस दोस्तों स्मॉल एम से स्मॉल एम टिका दो, इससे ये टिका दो, तो वी का मान आ गया रूट जी एम बाई आर, दिस इज वी ओ, वी ओ ओ बोले तो ऑर्बिटल, ये इसका कक्षीय वेग है, किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह का ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है, ये कक्षीय वेग कहलाता है, ठीक है डियर, अब अपन आते हैं जी, ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ाएं, तो माना कि ये पूरा चक्कर लगाया इसने, पूरा चक्कर लगाया तो इसको टाइम कितना लगा, तो अपन जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय दूरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, वी नोट, कोई दिक्कत, टी इक्वल टू टू पाई बाई आर बाई, तो एक पूरे पाथ एक पूरा सर्कल चक्कर लगाता है, डिस्टेंस क्या होती है टू पाई आर, तो दोस्तों टी इक्वल टू टू पाई आर वी नोट, अभी आपको बताया वी नोट क्या है भाई, जी एम बाई आर, इट क्लियर, चलो जी, तो टी इक्वल टू टू पाई आर, ये आपका रूट जी एम है, इसको दोस्तों आप यहां ले जाओ, इस आर को दोस्तों ऊपर ले जाओ, तो ये आर हाफ हो गया, ध्यान दे क्लास, तो ये सब कांस्टेंट है, टी स्क्वायर
आर की पावर 3/2, तो याद करो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये क्या होता है, नियम होता ना केपलर का, वापस क्वेश्चन में एक बार आप, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो दोस्तों ये रहा, मैं बोर्ड को खाली कर दूं आपके लिए, रहा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आर क्यूब, ये केपलर का नियम कहलाता है। ठीक है डियर, चलो फिर से खाली करें आप। अब आप देख रहे हैं टी इक्वल टू 2πr अपॉन वी वी नोट, तो दिस इज 2πr रूट जी एम, दिस इज रूट आर, दिस इज टी इक्वल टू 2πi, ये क्या है रूट जी एम, और ये r की पावर 3/2। ये एक कंप्लीट कॉन्स्टेंट है, आप एक बार क्वेश्चन में वापस आए। और ये कॉन्स्टेंट क्या है डियर, ये कॉन्स्टेंट आपका देखो k है, क्या दिया है प्लीज, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है डियर, दिया हुआ है हमें टी स्क्वायर के आर क्यूब। आप अगले पेज में आए दोस्तों, दिया हुआ क्या है टी स्क्वायर के आर क्यूब। ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, इक्वेशन वन को कंपेयर कर लो इक्वेशन टू से, सीधी सी बात है, इसको आप स्क्वायर कर लो, लो टी स्क्वायर, तो ये 4πi स्क्वायर जी एम आर 3/2 क्या हो गया आर क्यूब, ये ले यार, तो दिस इज टी स्क्वायर के आर क्यूब। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दो आपको समझाने के लिए, लो इसको कंपेयर कर दो, तो ये लो क्या बन गया के इक्वल टू 4πi स्क्वायर जी एम। तो दोस्तों के जी एम इक्वल टू 4πi स्क्वायर, क्वेश्चन आ जाए भैया, देखते हैं आंसर किस रूप में दिया अगले ने, अब आंसर ढूंढ लेते हैं। पर तो ये रहा जी एम के इक्वल टू 4πi स्क्वायर, दोस्तों थर्ड आंसर आ गया, तो 81 में आंसर क्या हो गया भाई हमारा, थर्ड हो गया। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, इसकी थोड़ी हिंदी की लैंग्वेज मिस्टेक है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m रेडी r 2r आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू 12r इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन इच। देखो ध्यान दो क्लास, एक बॉडी दोस्तों ये m मास की है, दूसरी बॉडी ये 5m मास की है, इसका मास m है, इसका मास 5m है। अगला साफ कह दोस्तों बिटवीन देयर सेंटर टू इक्वल डिस्टेंस 12r है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 12r है, इसकी रेडियस क्या है दोस्तों r है, इसकी रेडियस क्या है r है, तो एक्चुअल में जो आपका डिस्टेंस हम लेंगे वो तो ये रहेगी ना बीच में, देखा जाए तो फोर्स तो यहां काम आ रहा है ना, ये दोस्तों आपकी कौन बन गई 9r। इस क्वेश्चन में सुंदरता इतनी है बस, एक बॉडी ये एक बॉडी ये, अगला साहब कहता है डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर क्या है 12r, बट ये r एडी है, ये 2r एडी है, तो 9r बची। अब वो कहता है कि स्पष्ट कहता है एक दूसरे को केवल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अरे मेरे यार, जब भी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो याद कर f बराबर dp by dt इक्वल टू 0, dp इक्वल टू 0 और p इक्वल टू कांस्टेंट, p इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण। तो दोस्तों माना कि ये वो बिंदु है जहां पर ये बैलेंस है, तो माना ये दूरी तेरी अक्ष है, तो ये दूरी तेरी क्या हो जाएगी नो आर माइनस अक्ष, बस हो गया मेरा एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर वन, इसको मैं मानो आर वन कह दूं, इसको मैं आर टू कह दूं। ठीक है डियर, तो बस अपना काम हो रहा बहुत आराम से। तो स्पष्ट कहता एम वन क्या है भाई एम, आर वन क्या है अक्ष, इक्वल टू एम टू क्या है भाई 5m, और डियर आर टू क्या है 9r माइनस, ध्यान दे क्लास 9r माइनस अक्ष, 9r माइनस अक्ष। देख भाई m से m कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा क्या अक्ष, ठीक है भाई, तो ये अक्ष और ये तेरे 45r माइनस 5 अक्ष, ये देख 6 अक्ष इक्वल टू 45r, तो दोस्तों अक्ष इक्वल टू 45/6, 40/6 मतलब 6 संतो 42 7 और उसके बाद आपका कितना बचा 3, तो दोस्तों ये आपका 7.5r आया। ओके, और ये भी स्पष्ट है 7.5r कौन है अक्ष है, छोटे वाली बॉडी की तरफ से है, पर ऐसा इसने कुछ ये पूछा कि छोटे पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो छोटा पिंड कितना चलेगा भाई स्मॉल वाला 7.5r, तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया इसका। ओके रुको एक मिनट, एक मास m, एक मास 5m, सेंटर 12r, बटी डिस्टेंस 9r,
इसमें कुछ नहीं करना, देर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। जब भी बाह्य बल शून्य हो जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, बात खत्म दोस्तों। ओके थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 83। ये अगला स्पष्ट कहता है कि हमें कोई एक ऊंचाई है पर अर्थ सरफेस है, जहां ये आपको जी की वैल्यू दी है और ये दोस्तों आपको, ये सॉरी आपको वी की वैल्यू दी है और ये आपको जी की वैल्यू दी है, और ये दोनों किसी एच हाइट पर है, तो हमें वो एच हाइट निकालनी है। ओके डियर, तो मैं जानता हूं वी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर, और जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू दोस्तों नेगेटिव दे दी, नेगेटिव पॉजिटिव है कोई मतलब नहीं, आपको न्यूमेरिकल देखनी है, तो आप इसको ऐसा पुट भी कर सकते हो, वी इक्वल टू जी एम बाई आर। थोड़ा सा लो मैं रूप चेंज कर दूं इसका, ये दोस्तों जी एम आर आर, जी एम आर क्या है बट आपका वी। ओके डियर, तो आपके सामने जी इक्वल टू क्या आ गया भैया, वी अपॉन आर, और दोस्तों आर क्या होता है, आर प्लस एच। अब देख लो, जी आपको दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है, r आपको दिया हुआ है, केवल h फाइंड आउट करना है। अब गुणा भाग थोड़ी सी बड़ी है, मैं चाहता हूं हमारा समय बच जाए, वो गुणा भाग अपन नहीं करें, वो गुणा भाग करने के बाद आंसर आएगा 2600 किलोमीटर दोस्तों, इसका आंसर है फोर्थ। ओके चलेगा इतना तो, थैंक यू। हाँ तो डियर, क्वेश्चन नंबर 84 नीट 2016, तो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एक्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ एट अर्थ VE टू द एक्सेप्ट वेलोसिटी एट द प्लेनेट VP whose radius and mean density are twice as that of the earth. तो सीधी सी बात है यार, एक पृथ्वी है हमारी, एक कोई ग्रह है। अगला साहब कहता है जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, इसकी मास नहीं है, डेंसिटी अर्थ से डबल है, रेडियस इसकी डबल है, तो ये कहता है कि दोनों बॉडी, दोनों ग्रहों पे, पृथ्वी पे उस प्लेनेट पे प्लाइन वेग का अनुपात बताओ, रेशियो ऑफ एक्सेप्ट वेलोसिटी। दोस्तों सबसे पहले मैं किसी भी एक प्लेनेट के लिए एक्सेप्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं आपके लिए, तो ये आपको पता है कि 2gm/r होता है। लेकिन इस प्रश्न में हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें यहां मास की चर्चा नहीं कर रहा, अगला चर्चा कर रहा डेंसिटी। सुन ध्यान से रहे, यदि मास नहीं दिया हो और डेंसिटी की बात करता हो तो मास को हमेशा डेंसिटी कन्वर्ट कर लो। दोस्तों मास को डेंसिटी कन्वर्ट करेंगे तो रो इक्वल टू एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो एम रिप्लेस बाई 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसकी वैल्यू दोस्तों मैं यहां पुट करता हूं, तो आप जरूर देखना इसको, ये बहुत प्यारी चीज है, 2g ये 4/3 नीचे आ गया, ये पाई आर क्यूब ऊपर है, रो ऊपर है, एक आर नीचे है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों, क्या बचेगा, ये 8 हो गया, ये 8/3 हो गया, 8/3 हो गया, जी बच गया, पाई बच गया, रो बच गया, और बाहर दोस्तों आर ले लो, आप जानते हो बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है, तो यहां जो फॉर्मूला बना वो तेरा बना आर रो, ये लो जी, इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला काम आएगा। क्यों भाई आया ना, बोल बोल, मेरे पास मूल फॉर्मूला कौन था, ये, बट मेरे क्वेश्चन में क्या कहता है, बार डेंसिटी कर रहा है, तो भैया जो क्वेश्चन कर रहा है वही तो मैं करूंगा ना, तो रो इक्वल टू एम 4/3 πr³ मास अपॉन वॉल्यूम, कर दिया एम की वैल्यू पुट की, तो ये 8/3 g/ρr, ये r दोस्तों इसके बाहर है कोष्टक से, ठीक है ना, तो आपके सामने बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो v इक्वल टू r रो। अब भाई मैं एक बात जानता हूं हमेशा फिजिक्स में, कि एक मैन फंडा है, इक्वेशन के 1-2 लगाओ, और 1-2 लगा के इक्वेशन जो वेरी होते हैं उसके 1-2 लगा दो। अब आप खुद देखो, इसके लगाओ VE और नीचे लगाओ VP इक्वल टू RE अपॉन RP दोस्तों रो E अपॉन रो P, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, VE अपॉन V, अर्थ की रेडियस R है, तो ये दोस्तों ये 2 है, ये 1 है, तो ये 2 है, इट बिकम्स 2√2, दोस्तों आंसर आ गया 1 2√2, ये लो जी, कोई दिक्कत, ओके थैंक यू। डियर इस रो और एम पे मुझे एक बात और याद आ गई, वो आपको कहता हूं मैं, देखो ये माना कि हमारा अर्थ है और इसके सेंटर से किसी आर पॉइंट पे जो हमारा जी है वो आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, जी एम इक्वल टू आर स्क्वायर। आप ऐसा करो आर को आर के इक्वल करके कॉमन बात कर लेते हैं लो, दोस्तों ये हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दो ग्रह है, एक ग्रह फर्स्ट है दूसरा सेकंड है, दोनों के मास इक्वल हैं, ध्यान देना वो कहता दोनों के मास इक्वल हैं, तो G1 G2 का रेशियो क्या होगा, G1 G2 का रेशियो हो जाएगा माय डियर R2 अपॉन R1 स्क्वायर। ध्यान दो क्लास का, एक ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है,
इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसके रेडियस r1, इसके रेडियस r1, तो इसका माना g1 है, इसका माना g2 है। हेलो तो साथ मेरे, ये m, ये भी m, r1 r2। जब दोस्तों दो अलग अलग ग्रह मान लो पृथ्वी जैसे, दो मान लो पृथ्वी जैसे, कोई एक पृथ्वी मान लो, मंगल मान लो, माना दोनों के m बराबर कर दिए अपने, तो दोस्तों वहां g1 अपॉन g2 होगा r2 स्क्वायर बटे r1 स्क्वायर। बट माय डियर, यदि इसी प्रश्न में यदि आपसे ये कह दे उठा के आपको भैया कि दोनों ये जो है, मुझे m का नहीं पता, इसका रो और इसका रो, इसका r1, इसका r2, इसका g1, इसका g2, ओ लड़के तो यहां तू कहीं g1 g2 बराबर R2 बट्टे R1 का होल स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो तेरी पूरी रामायण बिगड़ जाएगी। कारण ये तब आता है जब मास इक्वल हो। सुनो फिजिक्स में क्या होता है, एक डेटा अगला बदलता है, एक हमसे बदलवाता है और एक को कांस्टेंट करता है, एक को वेरी करता है, एक को हमसे चेंज करवाता है और एक को कांस्टेंट रखता है। तो जो डेटा कांस्टेंट है वो फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। यहां मास कांस्टेंट था, फॉर्मूले के अंदर मास था, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां दोस्तों डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न आपके फिर से करता हूं कि एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी रेडियस आर वन है, इसकी रेडियस आर टू है, इसका जी वन है, इसका जी टू है। तो माई डियर यहां जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो है, बट एम को भगाओ यहां से, एम इक्वल टू क्या भाई, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। ओके डियर, तो तेरे सामने सामने जी क्या बन गया रे, जी एम की जगह रो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये ले जी इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई रो जी आर। डियर यहां जो जी है वो आर के समानुपाती है, ध्यान दे क्लास, जी है वो आर के समानुपाती हो गया भैया यहां पर। तो ऐसे न्यूमेरिकल में जो तेरा G1 बाई G2 आएगा वो डियर तेरा R1 बाई R2 आएगा। इसी का नाम फिजिक्स है भाई, बहुत इजी है दोस्तों। मास सेम हो तो G1 बाई G2 इक्वल टू R2 बाई R1 स्क्वायर होता है, बट डेंसिटी सेम हो तो G1 बाई G2 इक्वल टू R1 बाई R2 होता है। प्लीज जो चीज कॉन्स्टेंट है वो फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 85 316 में आया हुआ, एक बात गौर करना दोस्तों, ग्रेविटेशनल का टॉपिक मुश्किल से 5 घंटे का होता है और ये एग्जाम में 2 क्वेश्चन देता है। हमने स्टार्ट किया यूनिट डायमेंशन वेक्टर से लेकर रोटेशनल, रोटेशनल से पहले बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, रोटेशनल से, ग्रेविटेशन से, एसएचएम से, यहां 45 में से ऑलमोस्ट आप मान लो कि 7 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत ईजी है, बट पढ़ना पड़ेगा, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, उसके बिना आगे पढ़ नहीं सकते। वो बेस तैयार करता है, क्वेश्चन तो यहां से क्रिएट करता है। सुनो भाई, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ कर गुरुत्वीय त्वरण जी के परिवर्तन को निम्न में कौन सा, दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं आपको, अर्थ के अंदर अंदर दोस्तों जी आर के, कब, जब आर लेस देन आर हो, और जी दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर, जब आर ग्रेटर देन आर हो, तो ऐसा क्वेश्चन कौन सा हमारा अगला जी पूछता दोस्तों। तो सिंपल सी बात, आपका 85 का फर्स्ट आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सेम ग्राफ है। अब यहां को वो थोड़ी देर पहले तो आपने कहा लाइन के नीचे, बेटा यहां कोई ग्राफ लाइन नीचे है ही नहीं। हाँ, यदि ये ग्राफ लाइन के नीचे होता और ऊपर होता तो सही कौन सा होता, नीचे वाला, गांड मारना। इसी प्रश्न में ये ग्राफ लाइन नीचे कर दे तो ग्राफ लाइन के निचला सही होगा, रहा किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टेट में हमेशा ऊपर सही होगा। क्लियर, ओके थैंक यू। अब फिर से सैटेलाइट पे बहुत सुंदर क्वेश्चन है, यहां मैं थोड़ी भी आसपास आपको दूंगा। क्या कहता है, एक ग्रह का द्रव्यमान एम है, पृथ्वी के पश्च से एच ऊंचाई पे, दोस्तों ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सरफेस से एच ऊंचाई पे ये आपका चक्कर लगा रहा, देखो ऐसे लगा रहा डियर। पृथ्वी की रेडियस आर है, कहने की बात ही नहीं है, तो ये कुल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, आर हो जाती है, और उसके पृष्ठ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जी नोट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या है, जी नोट है, यानी व्हाट इज जी नोट, जी नोट इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे ना, तो कैपिटल आर जाएगा। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या है, इस सेटेलाइट की एनर्जी क्या है, दोस्तों बोर्ड खाली करें, आगे आए लो मैं इस पर आपको बात करता हूं भाई, करो बात शुरू, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये बताओ कैसे है। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, कि एक एटम में एक न्यूक्लियस के चारों ओर किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी काइनेटिक क्या होती है, उसकी पोटेंशियल क्या होती है, उसकी टोटल क्या होती है। सेम फॉर्मूला यहां होगा, दोनों टॉपिक एक साथ करते हैं। ओके डियर, अच्छी तरह याद करो,
कि अब हम के माने कि ये हमारी पृथ्वी है जिसका मास एम है, और ये दोस्तों हमारा कोई सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है जिसका मास एम है, इस पाथ का रेडियस आर है। हम अच्छी तरह जानते हैं भाई कि वर्ष सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए क्या चाहिए, एम स्क्वायर बाई आर, जो कहां से आएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बोल हाँ या ना भाई, ये तो है ना कि अर्थ है उसके चारों ओर ब्लैक पाथ दिखा दिया मैंने, मेरे पास व्यवस्था बोर्ड पे से कर रहा हूं मैं। दोस्तों घूम रहा सेटेलाइट तो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ दुनिया भाई जी एक ही फंडा एम स्क्वायर बाई आर, कौन प्रदान करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। ओके डियर, अब देख थोड़ा ट्रिकी कर दो इसको मैं यहां पर, जी एम एम आर स्क्वायर, ये ले भिड़ू काट दे तो क्या बचा, एम वी स्क्वायर जी एम एम आर। अरे यार हाफ से यहां मल्टीप्लाई कर दे, हाफ से यहां मल्टीप्लाई कर दे, अरे हाफ एम स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक है। यस थैंक यू, इट बिकम्स काइनेटिक है, जी एम एम अपॉन टू आर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके उसके बाद इसकी पोटेंशियल क्या है, तो पूरी क्लास जानती है एक मास एम वन हो एक मास एम टू हो उनके बीच की डिस्टेंस आर हो तो क्या होती है पोटेंशियल, प्लस माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। हेलो, कोई मास एम वन है दूसरा मास एम टू है इसके बीच आर है, डिस्टेंस हमेशा कहां सेंटर टू सेंटर होती है, ये यू प्लस माइनस जी एम वन एम टू बाई, क्या लफड़ा प्लस माइनस का, रिपल्सन में प्लस अट्रैक्शन में माइनस, रिपल्सन में प्लस अट्रैक्शन में माइनस, टोपी का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है जी, अट्रैक्शन। ओके तो साइन किसका आएगा, माइनस का, यू इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, और इस भाषा में चेंज करूं इसको मैं तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर, ठीक है। बस अब तू खुद कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को मैं ई से बता दूं वो तो क्या है रे, जी एम एम बाई टू आर, क्या है पोटेंशियल, माइनस जी एम एम बाई आर, तो ई टी ई टोटल क्या हो गया, ये आधा प्लस का है एक, सॉरी आधा प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या बच गया रे, माइनस ये ले भाई, तो इसका रेशियो निकालना हो कई बार, ई रेशियो यू रेशियो ई टी, तो दोस्तों आप जानते हो अच्छी तरह से आता है, इन सब को हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आता है एक, आप ई पहले लिया ना पढ़ने, तो दोस्तों एक पे इस ई को फर्स्ट दिया ना पढ़ने, तो ये वन रेशियो माइनस टू रेशियो माइनस वन, ये है दोस्तों शानदार चीज। और यही आपको पता रेशियो कब होता है, जब नाभि के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, काइनेटिक रेशियो पोटेंशियल रेशियो टोटल वन इज टू माइनस टू इज टू माइनस, काइनेटिक मान लो कहीं दस है, ध्यान दे क्लास, किसी सैटेलाइट का किसी ऑर्बिटल में काइनेटिक माना कि प्लस दस है तो क्या होगी पोटेंशियल, माइनस ट्वेंटी, क्या होगी टोटल, माइनस टेन। टोटल का मतलब है टोटल नेगेटिव है, एक बात ध्यान देना, कोई भी ग्रह किसी उपग्रह कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। भैया बंधा हुआ आदमी कब तक रहता है, जब तक उसके कर्जे में है, जब तक नेगेटिव है तब तक बंधा रहेगा, कर्जा मुक्त होने के बाद आदि भाग जाता है, जैसे ऊर्जा दोस्तों प्लस हो जाएगी यहां से ये एक्सेप्ट कर जाएगा प्लान कर जाएगा, इसलिए नेगेटिव ही बंधन ऊर्जा है बांध के रखती है। तो ये आपका एक बहुत प्यारा सा पॉइंट हो गया, फिर सुन लो, कोई भी ग्रह के चारों उपग्रह घूमता है तो उसकी काइनेटिक क्या है, बोल जी एम एम अपॉन टू आर, इसको बोर्ड को साफ कर, अब बोल मेरे साथ, बोल काइनेटिक क्या है, जी एम एम अपॉन टू आर, पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, टोटल क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, रेशियो क्या है, काइनेटिक रेशियो पोटेंशियल इक्वल टू वन रेशियो माइनस टू रेशियो माइनस वन। ओके थैंक यू, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन निकाला भाई, तो डियर ये हमारा क्वेश्चन है, एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान एम है, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है तो उसके पृष्ठ पे गुरुत्वीय त्वरण, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या है, आ जाए भैया उपग्रह अभी बात होगी, कुल ऊर्जा क्या है, जी एम एम अपॉन टू आर, ठीक है। बस अगला कहता है वैसे करना, तेरा दिमाग क्यों लगाता है यार, अपना दिमाग नहीं लगाना अपने एग्जाम के अंदर भाई, सीधी सी बात है, इज ई टोटल, एक बार लिख दू तू कहे तो ई टोटल, बार बार लिखूंगा फिर इसको मैं, तो E इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम
स्मॉल एम टू आर प्लस एच, बोल हाँ या ना? आर प्लस एच क्यों आया? क्योंकि स्मॉल आर हमेशा क्या होता है, आर प्लस एच। अब यार मेरे जो ऑब्जेक्ट है वहां मुझे जी नोट दिखाई दे रहा है, भैया मेरी फिर कोई पसंद नहीं है, मेरी कोई फिर कोई च्वाइस नहीं है, च्वाइस अगले की है। जी नोट का मान क्या है दोस्त? वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां जी एम लिखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस कर दे? उससे रिप्लेस कर दे, तो इक्वल टू माइनस जी एम की जगह जी नोट आर स्क्वायर स्मॉल एम टू आर बाई एच। ऐसा देख कोई ऑब्जेक्ट है क्या भाई? माइनस का साइन ये रहा, एम जी नोट आर स्क्वायर टू आर प्लस 86 का दोस्तों आंसर फर्स्ट हो गया। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, ये मेरी मेरी निगाह एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं इसमें। देखो क्या कहता है, कल्पना करो एक प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के आवेश में अल्प अंतर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज क्या होता है? इक्वल होता है, बट ये कहता है यार थोड़ा सा डिफरेंस कर दो, एक को माइनस ए कर दो, एक को ई प्लस डेल्टा ई कर दो। कहने का मतलब प्लस डेल्टा ई का चेंज है बस। यदि एक दूसरे डी डिस्टेंस पे रखे हाइड्रोजन दो परमाणु, आ जाओ भैया ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है डियर। जहां डी परमाणु के साइज से बहुत ही अधिक है दोस्तों, विद्युत बल व गुरुत्वीय बल का परिणामी शून्य है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डेल्टा ई का मान निकालो। और हाइड्रोजन के देखो, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये कौन है भैया? यहां पर इसके बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहां एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहता है? परमाणु से साइज से बहुत, जहां डी इनके बीच की डिस्टेंस है, डी है, लो जी। तो ये ई ई, ठीक है, ये प्लस प्लस का इफेक्ट काउंट करके ये ई यहां डेल्टा ई काउंट हो केवल, बस इसमें ध्यान रखना चीज का, तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या है? डेल्टा ई बस। अगला कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल कर दिए, बस आ जा भैया। तो जी मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू, तो क्यू दोस्तों क्या आएगा? डेल्टा ई अपॉन डी स्क्वायर, बस ये कैंसिल आउट है। तेरे को दोस्तों डेल्टा ई निकालना, मैंने कहा ना कि अनावश्यक बकवास कर रहा है। तो डेल्टा ई क्या स्क्वायर हो जाएगा? तो ये तेरे सामने क्या है? जी एमएचएमएच का भी स्क्वायर कर दे, एमएचएमएच का स्क्वायर और ये के। दोस्तों जी की वैल्यू दे रखी है, एमएच की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू आप जानते हो, इनको कैलकुलेट करो तो इसका आंसर दोस्तों शायद सेकंड आता है। तो मैं मानता हूं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ओके, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इतना ही है कि दो दो पार्टी हाइड्रोजन है तो इनके बीच एक फोर्स लगता है, देखो विद्युत बल, एक लगता है गुरुत्वीय बल। विद्युत बल होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, वो गुरुत्वीय बल होता है Gm1 m2 बटे आर स्क्वायर। वो दोनों क्या है? अगला खुद कह रहा है वो दोनों क्या है भैया? इक्वल है, लेकिन चार्ज का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर दिया, कल्पना कर ली, तो क्यू की डेल्टा ई लेना है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आगे मैं आप कर लोगे। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 88 2017 में, ये तो भैया उल्टा करना पड़ेगा, जो मैं इसको पढ़ गया है अभी, देखा मैंने इसके तो ऑब्जेक्ट देख के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगला साफ कहता है कि भैया सी जी और इनके बनने वाली एक भौतिक राशि की डायमेंशन है वो लंबाई है, तो ये इतना ही कहता है भैया इनमें से बताओ लंबाई की डायमेंशन कौन सी है? कोई याद नहीं कर सकता, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, सबकी दोस्तों डायमेंशन निकालो भाई। और डायमेंशन निकालने के बाद जो लंबाई के बराबर हो जाएगी वही दोस्तों इसका आंसर होगा, और यहां जो आंसर आ रहा फोर्थ है। अब इसका भाई कोई रास्ता नहीं है, सीधी सी बात है, आपको इनकी डायमेंशन आप बताओ, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी है, नहीं भी है, टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है। 17 में इससे क्वेश्चन आए दो तीन, ठीक है ना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। साफ कहता है कि भी कौन एल के बराबर, मुझे बताओ क्या करोगे, सबकी वैल्यूज निकालनी होंगी आपको, ठीक है, थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 89, ये थ्योरी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? आपको इनमें से ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने हैं, सत्य कथन कौन है ये देखने दोस्तों हमें। फर्स्ट क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। किसी पिंड का गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र सदैव संपाति होते हैं, ये दोस्तों कहीं आवश्यक नहीं है ना, ये अलग भी हो सकते हैं दोस्तों, आपको पता सेंटर ऑफ मास तो बॉडी से बाहर भी होता है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो, बिल्कुल ये मैंने तो परिभाषा यही होती है, आप जानते हो ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, तो ये सही है। थर्ड, किसी पिंड पे लगा कुल युग्म उसमें स्थानांतरणीय तथा घूर्णीय दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है, दोस्तों ना। फोर्थ, यांत्रिक लाभ का मान एक से अधिक होने का तात्पर्य है कि हम कम आयाम से अधिक लाभ उठाए, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका मतलब है कम इनपुट पे
अधिक आउटपुट आए, तो इसमें बी सही है और डी सही है। दोस्तों बी और डी हमारे सही किसमें है भाई, बी और डी हमारे सही है फोर्थ में। तो 89 का दोस्तों आंसर हो गया हमारा फोर्थ। ये अच्छा थ्योरी का प्रश्न है और थ्योरी निश्चित विचार पूरी तरह बहुत ढंग से पढ़ी। इसमें फर्स्ट बहुत कामकार है कि किसी पिंड का गुरुत्वीय केंद्र द्रव्यमान केंद्र सदैव संपाति हो कहीं जरूरी नहीं है भाई। तो मैं आपसे निवेदन है आप सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चार पॉइंट होते हैं एक बार जाके इस क्लास के बाद अपने कॉपी से पढ़ लेना ताकि आपको एक बार फिर से वो रिवाइज हो जाए। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन 90 टोटल कितने करने रहे 360 किस पे आगे 90 पे नो चौक 36 25% काम हमारा अभी पूरा होने जा रहा है भाई। ओके ये कहता था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबाउ द अर्थ, अबाउ द अर्थ का मतलब है सरफेस से ना काउंट, इज द सेम एज इट ए डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, देखो ये अर्थ है मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो बाहर तो किस पे है 1 किलोमीटर पे है और दोस्तों अंदर किस डिस्टेंस पे है डी डिस्टेंस, ये हमारा सेंटर मान लो आप ठीक है, ये इसका सेंटर मान लो। अगला साफ कहता है कि पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पे गुरुत्वाकर्षण का मान वही है जो गहराई पे है, यानी यहां जो जी है वही जी दोस्तों यहां है। अब मैं मानता हूं कि ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको और खाली करें एक बार पेज को। डियर एक चीज आपको समझा देता हूं लो, आप पृथ्वी से बाहर किसी एच हाइट पे बैठे हैं तो जी वेरी कैसे करता है, और इसी पे एक पहले इसको लो कर दूं, आप लो आ जाओ जी इक्वल टू आप जानते हो जीएम अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। ओके डियर इसको जी डैश कहना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जी तो किसको बोलते हैं अपन सेंटर को बोलते हैं, इसको जी डैश कहते हैं बोलने में। तो जी डैश इक्वल टू जी एम आर हमेशा क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हो आर प्लस एच का स्क्वायर है ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। ओके जी डैश इक्वल टू जी एम, इसमें काम को आर बाहर निकालो तो आर स्क्वायर बाहर आएगा ना, ये क्या बनेगा 1 + HR का होल स्क्वायर। जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है दिस इज जी, ध्यान दे क्लास, जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या है इसको अपन जी कहते हैं, ये सरफेस का जी हो गया। ओके डियर तो ये तेरे सामने एक फॉर्मूला बन गया जी डैश इक्वल टू जी 1 + H/R का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लू तू कह दो मैं तो जी 1 + H/R - 2। अब दोस्तों यदि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, सरथर बेस की दान का चीज का एच इज वेरी वेरी लेस देन आर बहुत कम हो तो हाई पावर को भी कलर चेंज कर दूं आपके लिए तो हाई पावर को इग्नोर कर देंगे और यहां एक बहुत सुंदर फॉर्मूला बनता है जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2 अंदर आ जाएगा 2 H/R। प्लीज याद कर ले अर्थ से किसी हाइट पे जी डैश का मान है जी 1 - 2 H/R, बट कब है जब एच की वैल्यू आर से बहुत बहुत कम है। तो इस प्रश्न में भी तो देखना कितना किलोमीटर हाइट ली, 1 किलोमीटर हाइट ली है ना, अर्थ की रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, तो एक दोस्तों नगण्य हो गया। यह था अर्थ के ऊपर, अब आप ऐसा करो पृथ्वी के अंदर आओ, चलो उसकी बात करते हैं। दोस्तों ये माना हमारी पृथ्वी है, इससे आप डी गहराई पे आए तो डी गहराई पे आए तो अर्थ का ये हिस्सा जो है यहां कोई पॉइंट है तो दोस्तों अर्थ का इतना हिस्सा काम आएगा उसमें, ठीक है डियर, तो इतना हिस्सा काम आएगा। तो माना इस हिस्से की रेडियस क्या मान लो स्मॉल आर, इस हिस्से का मास क्या मान लो एम डैश, और हमें इस पॉइंट पे जी डैश निकालना है। तो सबसे पहले एम डैश निकालो, तो देखो एम डैश कैसे निकलेगा, टोटल पृथ्वी का 4/3 πr³ क्या होता है कैपिटल एम, तो एक का क्या होगा 4/3 πr³, और दोस्तों ये जो गोला है उसका कितना है 4πr³, तो दोस्तों एम डैश क्या बन जाएगा कैपिटल एम 4/3 πr³ मल्टीप्लाई 4/3 πr³ है ना, इस वॉल्यूम का उतना मास, एक का इतना मास, यूनिट से निकाल लेते हैं इसको। ओके डियर तो मेरा एम डैश बन गया कैपिटल एम r³ / r³, बोलो हाँ या ना, बन गया ना, बस अब आप ऐसा करो इसको अप्लाई कर लो, ये आपको समझाने कर दिया मैंने। तो ये जो अंदर का गोला है तो डियर इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितनी है, तो जी डैश क्या बना, यहां जी डैश बनेगा जी एम डैश आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, एम डैश क्या है अभी निकाला तूने एम r³ / r³
आर स्क्वायर, एम डैश क्या आया था, एम डैश की वैल्यू क्या है, एम आर क्यूब, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर अभी आया ना, बस आगे चल। तो g डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर को तुम ऐसे कर लू, इसको मैं तू कहे तो ऐसे एक बार कैंसिल आउट कर दू तो क्या बच गया r, तो ये क्या बच गया तेरा r, चल आगे ये क्या बच गया g डैश, ये क्या हो गया g नोट, ये क्या हो गया हमारा g, g m अपॉन r किस पे, सरफेस पे, तो g डैश इक्वल टू क्या बच गया भाई g, और एक r एक्स्ट्रा बच गया ना अपने को, तो ये बच गया आपका r अपॉन r, आ जा g डैश इक्वल टू g, r को यहां रख ले, व्हाट इज r, हेलो r क्या रहा है यहां, r दोस्तों कैपिटल r माइनस d है, यहां पर देखना कैपिटल r माइनस d, बस ये सुंदरता है इसकी। अब भाई ऊपर तो ये काम कर, r कॉमन ले ले, तो ये माइनस d बाई r, ये r कैंसिल आउट है, तो g डैश इक्वल टू g वन माइनस d बाई r। डियर अब तक जो मैंने पढ़ाया उसको मैं यदि ऐसे एक डायग्राम में बना दूं कि सरफेस से एच हाइट पे अगला मुझसे जी डैश पूछे तो जी वन माइनस टू एच बाई आर, लेकिन अगला मेरे से डी गहराई पे पूछे तो यहां मेरा जी डबल डैश बोल दो आपके शॉर्ट के लिए वन माइनस डी बाई आर, इसको याद कर लेना भाई मेरे। हां इसकी तो शर्त है कि H इज वेरी वेरी लेस देन R, बट यहां कोई शर्त नहीं है, तो दोस्तों D चलते चलते R के बराबर हो जाएगा, तो एक माइनस एक जीरो, आप या जानते हो सेंटर पे केंद्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यहां से आता है। ओके अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, चलो भैया क्वेश्चन निकालो, बस हो गया। पृथ्वी के पृष्ठ से एक किलोमीटर की ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो भीतर की डी गहराई पे है, ठीक है ना, आ जा ऊंचाई पे कितना होता है जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर, डेप्थ में कितना होता है इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं ना तेरे लिए भैया जी वन, उसको मैं डी काम ले लूं, ओके एच फोर हाइट डी फोर डेप्थ, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट इक्वल, ओके 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 देख जी से जी कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट, टू एच का मान क्या है, एच का मान कितना है भाई एक किलोमीटर, आर इक्वल टू आर, ये तेरा डी आर कैंसिल आउट हो गया तो डी इक्वल टू दो किलोमीटर, यार कहां दिक्कत है बीड़ू, डी इक्वल टू दो किलोमीटर, 90 का आंसर क्या हो गया थ्री, तो सब लपेट दिया आसपास। जो भी लोग इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं मैं फिर से कहता हूं भाई मैं खड़ा हूं 9 अप्रैल को, मई के लास्ट मिनट का एग्जाम होना है, सेशन एंड हो चुका है, 8 मार्च को सब कुछ पढ़ा के हमारे साथियों ने आपको भेज दिया, मैं तो पेपर के सॉल्यूशन के साथ हल्की फुली थ्योरी को लपेट रहा हूं, और पेपर इसलिए दोस्तों सोल्ड करवा रहा हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि 2013 से 2016 तक जो एग्जाम में आया है, सॉरी 19 तक जो एग्जाम में आया है भाई, वही 2020 में आएगा। यदि आप इन सारे प्रश्नों को लॉजिकली समझ गए तो आपको 150-160 नंबर लाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ऐसे केमिस्ट्री के भी कर लो, ऐसे बायो को भी कर लो, जो हम भी कराएंगे आप भी कर सकते हो, जो भी इसको देख रहे हैं दोस्तों सीएलसी की साल बायोलॉजी और केमिस्ट्री की डीटीएस विद बायोकेम डीटीएस है, वो पूरी की पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ मेरी पूरी फैकल्टी के वीडियो सॉल्यूशन साथ है सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पड़ी है। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में फिजिक्स पंच के नाम पे 25 टेस्ट करवाए थे, वो हमने साइट पे डाल दिए, उनके सॉल्यूशन नहीं है, पेपर पढ़े आप वो निकाल सकते हो, हमने हमारे सारे माइनर अपलोड कर दिए, आईटी के बच्चों को सुन लो, आईटी में हमारी एक केमिस्ट्री की डीटीएस होती है, अपलोड कर दी, हमने सारा मैटर माइनर वगैरह सब अपलोड कर दिए। यदि आप सीएल आपके घर पे पास कोई बुक्स आपके पास नहीं है तो भी आप सीएलसी लाइव पे जाएं और वहां जितने पेपर हमने डाल रखे हैं उन सबको निकाल लो, उनमें कोई डाउट आता है आप दोस्तों हमें 9992873888 मैसेज करो, मेरी टीम के जिनके आप संपर्क में आप उनको मैसेज करो, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है किया जाएगा। ओके डियर तो 90 क्वेश्चन हो गए, 360 में से 25% पूरा हो गया। ओके डियर थैंक यू। हाँ डियर ये थ्योरी का क्वेश्चन है, वो कहता दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष एक ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में यदि लगते हैं तैरने तो सिंपल बात है कुछ नहीं होगा, इनके बीच एक खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा और आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। ओके थैंक यू। फिर आ जाए, फिर केप्लर का नियम आ गया, अगला साहब कहता है ये मान लो दोस्तों हमारा सूर्य है,
इस सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, बिल्कुल साफ कहता है इलिप्टिकल पाथ। मैंने कहा ना डेरिवेशन सारे किस पे हैं, सर्कुलर पे हैं, लेकिन रियल पाथ क्या होता है इलिप्टिकल। इस इलिप्टिकल पाथ पे दोस्तों ये आपके मूव कर रहे हैं, पोजिशन ए पर है, पोजिशन सी पर है, पोजिशन बी पर है। और दोस्तों बहुत स्पष्ट कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उन बताओ क्या रिलेशन है। आप एक बात जानते हो डियर कि इस प्रकार जब ये मूव करता है तो इस पे बाहर से किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है, ध्यान है ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो कोई टोर्क नहीं है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। अभी गांठ बांध ले भैया, ये केपलर का पूरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, क्लियर। तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का मतलब हुआ dJ/dt तो इक्वल टू जीरो, तो dJ इक्वल टू जीरो, तो दोस्तों J इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और J क्या होता है मेरे लाडले, J होता है MVR, क्लियर। J इक्वल टू क्या होता है MVR, मास तो वही है तो M तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों V1 R1 V2 R2। स्पष्ट है जितना नजदीक है, R1 जितना कम है V1 उतना ज्यादा है, R1 जितना ज्यादा है तो V उतना ही कम है। तो देखो A पॉइंट पे R सबसे कम है तो वेग सर्वाधिक है, जब वेग सर्वाधिक है तो हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक है, सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक किस काइनेटिक A की है, उससे कम B की है, उससे कम किसकी है C की है, तो सबसे ज्यादा किसकी है A की है, उससे कम B की है, उस सबसे कम C की है। दोस्तों 92 का आंसर क्या हो गया आपका 3, थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 93 2018 में आया, तो ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न में, ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही पता लगता प्रश्न क्या है। ये कहता है यार कि सूर्य का द्रव्यमान माना 1/10 गुना कम हो जाए, मतलब 1/10 हो जाए, और जी जो अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं वो 10 गुना बढ़ जाए तो पृथ्वी पर क्या क्या होगा, सूर्य पर नहीं, सूर्य का मास ये बड़ा बना रहा अपने को, सूर्य का मास भैया, सूर्य का मास कुछ भी चेंज कर हमें से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी पृथ्वी का जी है ना वो तो भैया पृथ्वी की रेडियस पे, इस जी पे और इस एम पे डिपेंड करता। आज तक हमने क्या पढ़ा कि जो आपका ये जी है ये सार्वत्रिक नियतांक है, लेकिन अगला इसकी कल्पना कर गया यार, तो ठीक है इसको चेंज कर दिया, ना अर्थ तो बदली नहीं है ना, तो ना कैपिटल एम बदला ना कैपिटल आर बदला, केवल दोस्तों जी बदला, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया G' बस G' बढ़ा, तो स्मॉल जी बढ़ा, G' बढ़ रहा है तो स्मॉल जी बढ़ेगा। पहला पॉइंट, पृथ्वी पे सरल लोले का आवर्तकाल कम हो जाएगा, भाई जान लिखना T = 2π √L/g, तू बता पृथ्वी पर G' बढ़ा तो G बढ़ा तो T दोस्तों कम हुआ, अगला खुद क्या कह रहा है कम हो गया, बात सत्य हो गई। दूसरा कहता पृथ्वी पर जी के मान परिवर्तन कैसे नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो ये बात गलत हो गई दोस्तों। उसके बाद क्या कहता है, धरती पे चलना अधिक कठिन हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, वर्षा की बूंदें धरती पे अधिक तेजी से गिरेंगी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जी बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अरे वो सुब रामायण में था ना अंग द्वारा पांव हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो भाई मेरे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्यों हमसे पूछता है, सही नहीं है। ओके थैंक यू, ओके डियर नेक्स्ट 94 2019 में आया, इसका लॉजिक अभी आप दे चुका हूं, जोर नहीं आएगा आप। ये कहता है कि बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस है, ये थोड़ा सा स्प्रिंट है, सरफेस ऑफ द अर्थ हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कहता है किसी पिंड का पृथ्वी की सतह पे भार 200 है, पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पे इसका भार क्या होगा, बहुत सिंपल है जी, इधर आ जा, इधर देख, ये अर्थ है डियर, यहां इसका वेट क्या है 200 न्यूटन। वो कहता है पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पर, केंद्र से आधी दूरी पर यानी इस R/2 डिस्टेंस पे इसका भार क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है mg, तो m तो क्या है मास, F क्या है भार, इसके डैश लगाओ इसके डैश लगाओ, तो F" (FMG)". ओके डियर, तो आप जानते हो इस पॉइंट पे कौन है F" है, अरे भूल गया क्या, F" इक्वल टू क्या है, चलो तू इसको भूल गया याद कर ले, G' इक्वल टू अंदर क्या होता है 1 - H/ नोट H/ तेरी भाषा में बात कर लूं 1 - D/R। अगला साहब कहता है कि पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पे, आधी मतलब D का मान क्या है, D का मान क्या, बोल D का मान क्या है आधा, आधा मतलब R/2, तो R/2 क्या हो गया 1/2, तो दोस्तों G' का मान क्या आ गया G/2, तो G आधा हो गया तो भार भी आधा हो गया, वैसे सीधी सी बात है कितना हो गया 100 न्यूटन। देखो डियर
ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया प्रत्यास्थता का, इलास्टिसिटी का, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखो। अगला कहता है कि मेरे पास चार वायर हैं जिनका मेटेरियल क्या है, एक है, और अब वो कहता है इनमें टेंशन भी क्या है, एक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होगा। ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो पेज खाली करें, मैं आपको इस पे लेके आता हूं दोस्तों। बड़ा सीधा सा है, आपका जो कोफिशियंट होता है प्रत्यास्थता का, मॉड्यूलस बोल दो कुछ ही बोल दो, जो कॉन्स्टेंट है, वो दोस्तों रियल में एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, ये मास्टर फॉर्मूला इसका, ये आपका होता है एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल एक्सपेंशन, एल इनिशियल लेंथ, एफ फोर्स, ए उसका एरिया। ओके डियर, अब इसको अपन आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा, एफ अपॉन डेल्टा एल, और दोस्तों ए आपका नीचे आएगा के ऊपर जाएगा। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, मेटेरियल सेम है तो ये सेम है, सेम टेंशन है तो ये सेम है, तो तेरे सामने सामने एक फॉर्मूला बन गया भाई, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल मल्टीप्लाई ए। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया डियर, एल अपॉन ए। आप क्वेश्चन में आ जाए डियर, तो क्या कहता है आपका क्वेश्चन, मैंने जो आपको करके दिखाया वो ये है, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, और इसको तू चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, डेल्टा एल ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये अब आपको भैया ढूंढना होगा इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो एल डेल्टा एल सबसे अधिक, तो एल तो अधिकतम हो और आर दोस्तों न्यूनतम हो, तो इसका आंसर अपने आप क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड, कि दोस्तों 0.5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है तो उसको स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा तो वो बढ़ जाएगा, तो ये आपके सामने आंसर आ गया दोस्तों थर्ड। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट 97 AIPMT 2014, बीच में आप पता है वापस AIPMT आ गई थी। हाँ डियर, ये कहता है कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल व्हेन दीज वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डेल्टा एल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वो कहता नियत आयतन V का तांबा, ये कोई तांबा है, देखो जी तांबे का वायर है जिसका दोस्तों V क्या है, कांस्टेंट है। अब L लंबाई का इसे तार बना दिया, माना इस तार की लंबाई क्या है डियर, L है। अब कहता इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया, ए ये ले, इस पे आप नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दो, ठीक है, फोर्स लगा के इसकी लंबाई में हमने ए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले, इसकी लंबाई में हमने एक डेल्टा एल का एक्सपेंशन दे दिया, तो बताओ कौन सा ग्राफ सरलरेखीय होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, जो मैंने अभी पढ़ाया वो सेम चीज है, इसकी लंबाई एल है डियर, वी कांस्टेंट कर दिया अगले ने। ध्यान दें दोस्तों इस प्रकार की प्रॉब्लम जब भी आती हैं तो डी इक्वल टू हमेशा होता है एम अपॉन वी, थोड़ा सा चाहूंगा मैं, पदार्थ वही है इसलिए डी कॉन्स्टेंट है, पदार्थ वही है उतना ही तो एम कॉन्स्टेंट है, तो V भी अपने आप क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां V कांस्टेंट का फॉर्मूला काम आता है, V इक्वल टू कांस्टेंट, बट किसी वायर का V क्या होता है, A गुणा L। हेलो 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 भाई, जो चिंगम है आप चिंगम को खींचते जाओ तो लंबी होती जाएगी और पतली होती जाएगी, बट ना तो चिंगम का पदार्थ बदला ना चिंगम का मास बदला, सेम है ना, तो सेम बात है, इस वायर को जैसे खींचता जाऊंगा पतला होता जाएगा लंबा होता जाएगा, नहीं ए घटता जाएगा एल बढ़ता जाएगा, तो पहले क्या है A1 L1, फिर क्या हो गया A2 L2, तो इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है A1 L1 इक्वल टू A2 L2, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें ये काम लेगा, ठीक है डियर। तो AL इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपनों को कहता साहब कौन सा ग्राफ सरलरेखीय है, तो आ जाओ अपना जो फॉर्मूला पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि आपने खुद कहा गामा इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल एल, लेकिन ग्राफ तो किसके बीच है, डेल्टा एल और स्मॉल एल के बीच है, तो भैया बाकी सारी दुकान यहां से हटाओ। अगला साहब कहता है एफ कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, ओके डियर, तो फॉर्मूला क्या बना, ए डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, बोला या ना। अब इसके पीछे वन लगा, इसके पीछे वन लगा, इसके पीछे वन लगा, अब ए क्या है हमें आइडिया नहीं है दोनों चीजों बारे में, तो अपन ऐसा करेंगे इसको दोस्तों कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट में, वो क्या था A1 L1 इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर। तो मैं ऐसा करता हूं, एक बात ध्यान सुनो कि ये A1 डेल्टा L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1,
कर दूं ऐसा, मैं एक काम करूं L1 से यहां गुणा कर दूं और L1 से यहां गुणा कर दूं, कोई फर्क नहीं। तो A1 L1 क्या है, कांस्टेंट है, गायब हो जाएगा ना बस। तो ये क्या बचा, डेल्टा स्मॉल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, L स्क्वायर। तो डेल्टा L और L स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब है डेल्टा L और L स्क्वायर के बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन है। तो डेल्टा L और L स्क्वायर के बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन है। 97 का दोस्तों आंसर 2 होना चाहिए और बिल्कुल 2 आंसर हो गए। थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन 98 फिर से सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन है, 15 में आया हुआ है। ये वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी पे, आयतनात्मक प्रत्यास्थता पे है। देखो सुनो, कोई महासागर की गहराई इतनी है, संपीड़ितता आप जानते हो ना, संपीड़ितता क्या होती है, सी जो हमेशा बीटा की इनवर्स होती है, और उसका डेंसिटी इतनी है, और महासागर की तली पे जल का संपीड़न अंश क्या है, मतलब एक कहते ना वो फ्रैक्शनल कंप्रेशन बताना है इसका दोस्तों, वॉल्यूम का एक पार्ट निकालना है। ठीक है डियर, आ जा जी। तो अपन जानते हैं जब भी बीटा की बात आती है तो दोस्तों फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है डियर, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लूं तो ये तेरे सामने डेल्टा पी मल्टीप्लाई वी बाई क्या हो गया भैया, डेल्टा वी। ठीक है डियर, बीटा नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अपन जानते हैं बीटा क्या होता है भाई, 1/c। तो जहां बीटा है वहां अपन 1/c कर देंगे, कर दूं जी। तो बीटा की जगह 1/c, ये तेरा क्या है डेल्टा पी, और ये वी अपॉन डेल्टा वी। अगला सांप कहता है भैया तुझे निकालना ही क्या है, तुझे निकालना है दोस्त डेल्टा वी बाई वी, ये तो निकालना नहीं रहा, फ्रैक्शनल निकालना है रहा, संपीड़न से। तो डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा पी मल्टीप्लाई सी। क्लियर। और डेल्टा पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, हेलो प्रेशर भूल गए क्या, प्रेशर इक्वल टू एच डी जी, एच का मतलब हाइट, डी का मतलब रो, जी मल्टीप्लाई सी लोड एयर। तो ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू है एच रो जी सी। एच 2700 दे रखा है, रो दे रखा है, जी दे रखा है, सी दे रखा है। तू कहे तो लाइन सबको मैं गुणा भाग कर दूं, तुझे लगा यार पता नहीं ये मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो एच का मान 2700, तो 2700 लिख दे। रो का मान कितना भैया, 10^3, और जी कितना, 10, और सी कितना है रे वो देखना, 45.4 मल्टीप्लाई 10^-11। ठीक है डियर, अब इन सब की वैल्यूज अपन पुट करें तो थोड़ा सा निकालो, 11 है ना डियर, ये 11 है। तो अब इनको अपन आगे बढ़ाएं तो आप देखो, दो तो ये दो, दो तीन पाँच, पाँच एक छः, तो कितना बचा, 27 × 45.4 गुणा, तो कितना था, 3 × 2 = 5 × 6, तो कितना बचा, 10^-5। ठीक है डियर, अब इसको अपन अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई करें तो इसको 50 मान लो, इसको 30 मान लो, ऐसा करो देखो, तो 50 और 30 आप करोगे तो ये 1500 आएगा, और 1500 आएगा तो 1500 में पावर दोस्तों, अपन 1500 को यदि अपन यहाँ इसको कर लें तो 3 पावर और कम कर देंगे, 2 पावर पे रहेगा, उससे कुछ कम होगा, ये अपनी गारंटी है। किस आंसर इसका दोस्तों, 98 का फोर्थ आंसर है। ठीक है डियर, क्वेश्चन 17 में आया है, सेम वही क्वेश्चन है कि द बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ई इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स पी द फ्रिक्शन। अरे कहने का मतलब क्या यार, एक गोलीय पिंड है उस पर आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बीटा है, उस पर आपने पी, अरे कहने का एक गोला है उसको पी से दबा दिया यार, तो बताओ उसकी त्रिज्या में फ्रिक्शनल चेंज क्या हो गया, बस इसी बात को है ना। आ जा, बीटा इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, अब अपने को फ्रैक्शनल चेंज रेडियस पूछा है तो आप रेडियस की बात कर लो, जो आ जाओ v इक्वल टू क्या होता है, 4π/3πr³। क्लियर, तो दोस्तों आप इसको डेल्टा v अपॉन v के रूप में करना चाहोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 δr/r बन जाएगा। सीधी सी बात है यार, क्योंकि वॉल्यूम में r कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो 3 जगह चेंज होना है, तो डेल्टा v बाई v है 3 δr/r बस। तो ये डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू पी बाई बीटा, पर मुझे डेल्टा वी बाई वी नीचे, मुझे तो वो चाहिए, तो कोई बात नहीं, जहां डेल्टा वी बाई वी लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूं, 3 δr/r p। बीटा भी एक ही बात है दोस्तों, लिखने में थोड़ी सी इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो p इक्वल टू 3
बी. तो डियर ये आपके सामने आंसर आ गया, पी बाई थ्री बी. ओके थैंक यू. हाँ डियर क्वेश्चन 100 2018 में आया है, आओ पढ़ते हैं भाई. दो तार समान पदार्थ के बने हैं, दो समान पदार्थ के तार हैं, इसका मतलब दोनों का मेटल एक जैसा है, कोफिशियंट सेम हो गया, वॉल्यूम सेम, तो दोस्तों दोनों के वॉल्यूम सेम हो गए. पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, क्रॉस सेक्शन ए है. दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3a है. दोनों पे दोस्तों एफ बल, यदि बल एफ लगाकर पहले तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि की जाती है, तो दूसरे तार की लंबाई में इतनी वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, इसको भी दोस्तों डेल्टा एल करने के लिए एफ डैश की वैल्यू निकालनी है. भूल जा फिजिक्स को. क्या कहता है, दो तार एक पदार्थ के, इधर देख, दो तार हैं वो एक पदार्थ के बने हुए हैं. अगला कहता दोनों का वॉल्यूम समान है, एरिया एक का ए है दूसरे का 3a है. दोस्तों एक पर एफ पर लगाया तो डेल्टा एल की वृद्धि हुई, तो दूसरा में उतनी वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, यही तो बात हुई ना. तो बस आ जाओ पेज खाली देना मेरे को भैया, आ जाओ डियर. तो आप खुद जानते हैं एफ अपॉन ए डेल्टा एल एल, क्लियर. कौन कौन कॉन्स्टेंट है, गामा, इसके पीछे 1 2 नहीं आएगा दोस्तों, ए अलग अलग हैं तो इसके पीछे A1 आएगा. आप खुद कह रहे हैं दोनों के फोर्स अलग अलग हैं तो एफ के पीछे 1 2 आएगा. डेल्टा एल आपको क्या करना है, सेम रखना है, तो लंबाई दोनों की अलग अलग है, इसके पीछे 1 2 आएगा. एक बड़ा मास्टर फंडा है, जो बदलता है, जो वेरी करता है, उसके पीछे 1 2 लगा लो बस. अब आप देखते हो तो ये आपका एक रिलेशन बन गया. और दूसरा मैं आपके सामने लिखूं, गामा लिखूं, तो मुझे इसके, आप इसको डैश, इसको 2 लगा दो, इसको एफ 2 कह दो, इसको एल 2 कह दो, इसको ए 2 कह दो, और डेल्टा एल के 1 2 नहीं आएगा क्योंकि स्पष्ट कहता है. वापस क्वेश्चन माना एक बार, क्वेश्चन माना वापस. अगला सब कहता है कि दूसरे तार की लंबाई में इतनी ही वृद्धि, सेम वृद्धि करनी है, वापस क्वेश्चन में आना. तो दोस्तों ये आपके सामने हो गया, तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका लेफ्ट पार्ट, तो दोनों के लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट इक्वल कर दो, कर दूं, आ जा. तो एफ वन एल वन अपॉन ए वन, एफ टू एल टू ए टू, ठीक है डियर. माना पहले का एफ है, ठीक है डियर. लेंथ पहले वाले की लेंथ क्या है भाई, अब यहां एक चक्कर पड़ेगा, लेंथ का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है डियर, कोई बात नहीं, लेंथ का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लेंथ का मान निकाल लेते हैं. याद करो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो भूल गए क्या, ए वन एल वन इक्वल टू ए टू एल टू, यानी एल वन बाई एल टू बराबर क्या है रे, ए टू बाई ए वन. ध्यान दे क्लास, एल वन बाई एल टू क्या हो, ए टू बाई ए वन, ए टू क्या है डियर 3a, तो दोस्तों ये क्या आ गया 3/1, तो जहां एल वन है वहां आप क्या कर सकती है, एल वन क्या हो गया, एल वन इक्वल टू क्या हो गया 3l2, जहां एल वन है एल वन इक्वल टू क्या हो गया डियर 3l2, यानी जहां एल टू लिखा हुआ है वहां मैं एल वन बाई 3 पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं. तो एल वन को मैं क्या पुट कर दूं, एल वन, एरिया क्या पुट करूंगा, ए, फोर्स वही सेम है. ओ डियर तेरे सामने सामने एफ डैश, फोर्स तो एफ डैश निकालना ना अपने को, और एल टू क्या हो गया, एल वन बाई 3 मल्टीप्लाई ए टू क्या है डियर 3. देख एल वन से एल वन काट दे, ठीक है ना, ए यहां भी था, ए तो रहेगा रहेगा, ए से ए कैंसिल आउट कर दे, ये तेरे सामने सामने देख डियर एफ डैश का मान क्या आ गया, 9f आ गया, एन डैश इक्वल टू क्या आ गया, 9f आ गया. ओके थैंक यू. हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 101 19 में आया, देखो क्या कहता है. एम एक द्रव्यमान M के किसी गुटके को L लंबाई के किसी तार से लंबित किया गया, तो तार की लंबाई L प्लस L स्मॉल M बढ़ गई. तो नो डाउट दोस्तों एक देखो ऐसे सुनो, ये कोई एक वायर मान लो और इसके नीचे कोई मास है M, इसकी लेंथ है L, कॉमन सेंस की बात है इस पे नीचे की ओर क्या बल लगेगा, mg. तो जैसे इस पे कोई बल लगेगा तो निश्चित बात है इसकी लेंथ बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, अगला खुद कह रहा भैया स्मॉल L बढ़ गई, तो स्मॉल L बढ़ी तो कार्य हुआ ना, वर्क हुआ, वर्क कहां चला गया, एनर्जी में, कौन सी में, काइनेटिक ना, मोमेंट ही नहीं है, किसमें, पोटेंशियल में बस. तो किया गया वर्क स्टोर्ड हो गया एनर्जी में, वही पूछा अगले ने प्रत्यास्थ ऊर्जा. दोस्तों यू का मान क्या होता, हम सब जानते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स यहां एल है तो दोस्तों ये एल स्क्वायर. एफ इक्वल टू क्या होता है, के डॉट एक्स, तो के डॉट स्मॉल एल, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एफ अपॉन स्मॉल एल, तो दोस्तों यू इक्वल टू हाफ एफ अपॉन स्मॉल एल, स्मॉल एल का स्क्वायर, एफ किसके बराबर है, कौन सा फोर्स काम आ रहा है भाई, एम जी, तो ये ले डियर यू इक्वल टू हाफ एम जी स्मॉल एल स्क्वायर, स्मॉल एल कैंसिल आउट, तो दोस्तों ये एम जी स्मॉल एल बाई टू, और ये आपका आंसर कौन सा आ गया, सेकंड। ओके थैंक यू, इसी के साथ प्रत्यास्थता क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 101, हाँ तो अब इसके साथ आज की क्लास को बंद करते हैं। वैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो कहा था कि आज आपको ग्रेविटी के साथ एसएचएम को लेंगे, लेकिन एसएचएम को लेने की बजाय हम लोगों ने उसके बाद टॉपिक ले लिया प्रत्यास्थता वाला, और 101 नंबर क्वेश्चन तक ग्रेविटेशनल और प्रत्यास्थता तक पूरा हो गया, अब कर लेंगे एसएचएम। तो आज 9 अप्रैल है, आज हमने गुरुत्वाकर्षण और प्रस्ताव को लिया है, टोटल 360 क्वेश्चन है, 101 तक पहुंच गए हैं। कल दोस्तों हम लोग हमारा एसएचएम, हमारा सरफेस टेंशन और हमारा फ्लूड लेंगे, उसके बाद परसों हम लोग हमारी पूरी हिट पे आएंगे। ओके डियर, बने रहें साथ सीएलसी के, सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे आएं, फेसबुक पे आएं, साथ बने रहें। शाम को 6:30 बजे हम लोग लाइव बात करते ही करते हैं, और डेली शाम को 5 बजे कोई ना कोई क्वेश्चन का एक पूरी फाइल अपलोड की जाएगी। तो आज जो अपलोड की गई है वो गुरुत्वाकर्षण और सरफेस टेंशन की है, और 101 क्वेश्चन आउट ऑफ 360 आपको सॉल्यूशन दिया जा चुका है। आपके सुझाव का, आपके विचार का स्वागत है, इंतजार है। थैंक यू, आपके अपने सीएलसी, जय सीएलसी।